वेलकम बैक टू माय चैनल निविदा क्लासेस। आई एम निविदा जायसवाल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, आईपीसी का टॉपिक है क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसे हम लोग हिंदी में आपराधिक अतिचार कहते हैं। ये सेक्शन जो है 441 से लेकर 460 तक डिफाइन किया गया है। एक एक सेक्शन भी क्लियर करेंगे एंड इसमें क्या क्या पनिशमेंट है वो भी डिस्कस करेंगे एंड क्या क्या इसमें जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है, केसेस है, सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट को भी लेके चल रही हूँ, साथ साथ में आईपीसी भी कवर कराते जा रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का पूरा हो चुका है, अब हम लोग गुड्स एंड सेल्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट जो है स्टार्ट करेंगे। और चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास को आईपीसी के सेक्शन 441 में डिफाइन किया गया है। कहाँ डिफाइन किया गया है? 441 में। यहाँ आप लिख लेंगे 441 में। अब इसका हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं कि आखिर डेफिनेशन क्या होता है। क्रिमिनल ट्रेसपास, कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर क्या करता है कि किसी इंटेंशन से इंटर करता है, तो हम लोग उसे क्रिमिनल क्या कहेंगे? ट्रेसपास कहेंगे। इंटेंशन से इंटर करता है या फिर उसके मन में जो क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति जो है लॉफुल भी इंटर करता है बट अनलॉफुल वर्क करने के लिए, अनलॉफुल वर्क करता है वहां जाकर, तो ये भी क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम क्या समझा रही है। तो यहाँ पर जो मैंने लॉफुल वाला बात कहा है कि लॉफुल तरीके से इंटर करता है बट वहां पर जाकर अनलॉफुल कार्य करता है, तो उसे हम लोग क्रिमिनल ट्रेसपास भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है कि मैं अपने आंटी के घर में जा रही हूँ, लॉफुल यहाँ पर इंटर करती हूँ कि मैं अपने आंटी के घर में गई हूँ, ये तो लॉफुल इंटर हो गया। बट मैं वहाँ पर जाकर क्या करती हूँ कि अपने आंटी जो है उसके जो उन्होंने बहुत सारी ज्वेलरी पहन के रखी है, तो मेरे मन के अंदर जो है एक तरीके से कहा जाए कि दुर्भावना या फिर उनकी ज्वेलरी देख के मेरा मन जो है विचलित हो जाता है कि क्यों ना ऐसी ज्वेलरी मेरे पास भी रहती, और मैं सोचती हूँ कि उनका ज्वेलरी जो है मैं चोरी कर लूँ या फिर मैं उनकी ज्वेलरी को चुरा लूँ या फिर कह सकते हैं कि उनकी ज्वेलरी को कैसे भी मैं पा लूँ, ये मेरे मन के अंदर इंटेंशन हो जाता है। तो इसे भी हम लोग क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे कि आपने लॉफुली इंटर किया लेकिन मन में फिर आपके मन में जो है अनलॉफुल वर्क करने का विचार आ जाता है, तो इसे हम लोग क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे। या फिर आप इंटेंशन से भी किसी के घर में इंटर करते हैं तो ये भी क्रिमिनल ट्रेसपास होगा। ओके, यहां पर क्लियर है। एंड अगर आप जैसे कि क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं तो आपको 447 के तहत यहाँ पर दंडनीय अपराध माना गया है। कितने के तहत? सेक्शन 447, इसमें आपको 3 महीने की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है। इसमें एक केस भी है, केस है आपका कृष्णा वल्लभ मिश्रा वर्सेस यूपी स्टेट 1974 CLJ 434 इलाहाबाद का केस है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें एक व्यक्ति जो है क्या करता है कि एक व्यक्ति की स्कूल रहती है, वह क्या रहता है, वह व्यक्ति जो है स्कूल का प्रिंसिपल रहता है और उस प्रिंसिपल के अंडर में वह स्कूल रहती है। तो वहां पर स्कूल कमेटी का एक उपाध्यक्ष आता है, लॉफुली इंटर करता है, स्कूल जो कमेटी है उसका उपाध्यक्ष जो है लॉफुल इंटर करता है स्कूल में और धड़ाधड़ बच्चों को मारने लगता है, 2-3 बच्चों को मारता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक तरीके से क्रिमिनल ट्रेसपास किया, जबकि वह जो स्कूल है वह प्रिंसिपल के अंडर में था लेकिन आपने स्कूल कमेटी के उपाध्यक्ष गए और 2-3 बच्चों को मारने लगते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर 447 के तहत 3 महीने की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास जो है गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास को हम लोग क्या कहते हैं? गृह अतिचार। ये सेक्शन 442 में डिफाइन किया गया है। कहाँ डिफाइन किया गया? 442 में। हम लोग 460 सेक्शन तक डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग बहुत चीज कवर कराने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हाउस ट्रेसपास आखिर क्या होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास तो हम लोगों ने समझ लिया, अब चलते हैं हाउस ट्रेसपास की तरफ।
कोई भी व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी, लैंड, घर, मकान या फिर एक पूजा स्थान या फिर कोई भी जगह जो किसी व्यक्ति के अंडर में है, उस व्यक्ति के घर में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाउस ट्रेसपास कहेंगे। क्या कहेंगे? हाउस ट्रेसपास। ये तो क्रिमिनल इंटेंशन तो हुआ ही, क्रिमिनल ट्रेसपास तो हुआ ही। तो क्रिमिनल ट्रेसपास होता है इसके बाद ही हाउस ट्रेसपास होता है, आप ध्यान रखिएगा। पहले तो उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया, इसके बाद ही वह हाउस ट्रेसपास कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। 6 व्यक्ति जो है एक अपार्टमेंट में इंटर करते हैं। ओके, 6 व्यक्ति जो है एक अपार्टमेंट में चोरी के इंटेंशन से इंटर करते हैं। उनके मन इंटेंशन था कि हमको चोरी करना है। तो अब क्या होती है कि 6 अनजान व्यक्ति जब अपार्टमेंट में इंटर करते हैं तो वहाँ के अपार्टमेंट के लोग जो है शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। शोर इतना मचाते हैं, इतना मचाते हैं कि वह जो 6 व्यक्ति जो है चोर बनकर आए थे, वह व्यक्ति जो है भाग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका इंटेंशन था तो क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ। आपने क्या किया, क्रिमिनल ट्रेसपास किया एंड घर में घुस गए। तो घुस गए तो यहाँ पर क्या हो गया, हाउस ट्रेसपास हो गया। क्या हो गया? हाउस ट्रेसपास हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है 448 के तहत हाउस ट्रेसपास के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। कितने के तहत? 448, सेक्शन 448 के तहत आपको सजा का प्रावधान है 1 ईयर जेल एंड फाइन। ओके, एंड अब यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन जो लिखे हैं बट मैंने इसके बारे में यहाँ पर बताया नहीं है, अभी हम लोग बताते हैं आपको कि सेक्शन 448 में तो आपको हाउस ट्रेसपास के लिए आपको यहाँ पर दंड का प्रावधान किया गया है। बट यहाँ पर सेक्शन 449 में बताया गया है कि जैसे आप जो है मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के लिए हाउस ट्रेसपास करते हैं, मृत्यु से भी दंडनीय अपराध करने के लिए अगर आप हाउस ट्रेसपास करते हैं तो यहाँ पर 10 ईयर की जेल, 10 ईयर जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है सेक्शन 449 के तहत। अब सेक्शन 450 में क्या कहा गया है कि आजीवन कारावास भी दंडनीय अपराध करने के लिए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, हाउस ट्रेसपास करते हैं, तो आपको 10 ईयर जेल एंड फाइन का प्रावधान है सेक्शन 450 के तहत। एंड 451 के तहत क्या है, यहाँ पे तो बताया गया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसे अपराध करने के लिए अगर आप हाउस ट्रेसपास करते हैं तो 10 ईयर की जेल एंड फाइन। एंड यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट मीन्स कि कारावास जैसे दंडनीय अपराध को करने के लिए अगर आप हाउस ट्रेसपास करते हैं तो यहाँ पर 7 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है सेक्शन 452 के तहत। सेक्शन 452 में कहा गया है कि हॉट एसॉल्ट या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की पनिशमेंट के लिए अगर आप हाउस ट्रेसपास करते हैं, पनिशमेंट के तहत अगर आप हाउस ट्रेसपास करते हैं तो यहाँ पर आपको 7 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया जाएगा। यहाँ पर मैंने हॉट एंड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, असॉल्ट सारे वीडियो मैंने निर्विला क्लासेस के प्लेलिस्ट में अपलोड की हूँ, आप देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आईपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर समझ लिया कि क्या क्या चीज़ है। तो अगर आप हर्ट हो गया या रॉन्गफुल रेस्टोरेंट हो गया या रॉन्गफुल कंफाइनमेंट हो गए या असॉल्ट जैसे दंडनीय अपराध को करने के लिए अगर आप हाउस ट्रेसपास करते हैं तो यहाँ पर 7 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, प्रछन्न गृह अतिचार, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है। तो हम लोग समझते हैं ना कि आखिर क्या इसमें बताया गया है, थोड़ा डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। प्रछन्न गृह अतिचार यहाँ पर बताया गया है कि इसमें व्यक्ति जो है किसी के घर में इंटर करता है, इंटर इस तरीके से करता है कि किसी को उसकी इंटेंशन के बारे में पता भी नहीं चलता है। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है हाउस में इंटर करता है, जैसे कि सामने वाले व्यक्ति को इंटेंशन या इंटर के बारे में पता भी ना चले तो उसे हम लोग लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर में जो है
शादी ब्याह का मौसम आता है तो किसी की शादी होती है, तो जैसे मान लेती हूँ कि मेरी सिस्टर की ही शादी हो रही है, सिस्टर की शादी हो रही है तो जैसे कि बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, हलवाई हो गए, हलवाई आ रहे हैं, गाना बजाने वाले लोग आ रहे हैं, कोई डीजे वाला लोग आ रहा है, तो कोई टेंट वाला लोग आ रहा है, तो कोई भी किसी से पूछता नहीं है कि आप क्यों आ रहे हैं भैया, आप क्यों आ रहे हैं भैया, क्योंकि कोई किसी को जानता भी नहीं है कि कौन है कौन नहीं, तो सारे लोग आते जाते रहते हैं, कोई गाना बजाने वाले लोग आ रहे हैं, तो सारे लोग अपने अपने इंटेंशन से आते हैं, बट किसी का इंटेंशन हमको मालूम नहीं रहता है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है चोर है और गाना बजाना वाला बन के आ जाता है, या डीजे वाला बन के आ जाता है, या हलवाई बन के आ जाता है, और हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि ये व्यक्ति चोर है, और विदाउट हम लोग को यहाँ पर कोई भी तरीके का यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होता है कि वह व्यक्ति चोर है, या फिर वह व्यक्ति जो है क्रिमिनल ट्रेसपास करके हमारे यहाँ पर आया है, या हाउस ट्रेसपास करके यहाँ पर हमारे यहाँ आया है। तो यहाँ पर इंटेंशन और उसके इंटर के बारे में हमें पता नहीं चलता है, तो इस तरीके के हम लोग हाउस ट्रेसपास को लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहेंगे, प्रछन्न गृह अतिचार कहेंगे। इसमें क्या है कि आईपीसी के सेक्शन 453 के तहत, आईपीसी के सेक्शन 453 के तहत आपको यहाँ पर 2 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान है। कितना प्रावधान है? 2 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान है अगर आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास करते हैं तो। ओके, एंड फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, रात्रों प्रछन्न गृह भेदन। यहाँ पर क्या बात कही गई है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, यहाँ पर पॉइंट से ही पता चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है रात में किसी के घर में घुसता है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, लर्किंग हाउस ट्रेसपास। जैसे कि सूर्यास्त के बाद, यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करने के बराबर है कि सूर्यास्त के बाद एंड सूर्योदय के पहले, सूर्यास्त के बाद एंड सूर्योदय के पहले कोई भी व्यक्ति जो है किसी के घर में या किसी के संपत्ति में इंटर करता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहेंगे। क्या कहेंगे? लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। ओके, यहाँ क्लियर है। एंड इसमें जो है अगर आपको दंड किस सेक्शन के तहत यहाँ पर दंड का प्रावधान है, यहाँ पर सेक्शन 456 के तहत 3 ईयर की जेल एंड फाइन का प्रावधान है। एंड 457 एक और यहाँ पर सेक्शन जुड़ जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेक्शन 457 के तहत यहाँ पर 5 ईयर का जेल एंड फाइन का प्रावधान है। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि एक केस भी है, इसमें एक केस है, केस यहाँ पर है पैम्पिलस बाघ वर्सेस राज्य 1984 क्रिमिनल लॉ जजमेंट 828 उड़ीसा का केस है। पैम्पिलस यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं, पैम्पिलस ये केस है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, पैम्पिलस बाघ वर्सेस राज्य उड़ीसा राज्य। यहाँ पर इस केस में यही बताया गया है कि यह व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो है किसी घर में इंटर करता है, और इंटर करने के बाद क्या करता है, इंटर जब करता है तो कहता है कि मैंने इंटर किया ही नहीं है, और मैं इंटर किया हूँ तो मेरा इंटेंशन कुछ वैसा नहीं था। तब यहाँ पर कोर्ट के द्वारा सोचा जाता है कि आखिर ये व्यक्ति किसी के अन्य के घर में, किसी अन्य व्यक्ति के घर में आखिर इंटर क्यों किया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट कोर्ट को नजर आता है कि कोर्ट को ये पॉइंट नजर आता है कि उस व्यक्ति के हाथ में क्या रहती है, कि लोहे की हथियार रहती है और एक हाथ में टॉर्च रहता है। तो उस व्यक्ति के द्वारा टॉर्च और लोहे की हथियार ले जाने से ही पता चलता है, उसका इंटेंशन जो है पता चलता है कि टॉर्च जो है रात्रि में उपयोग होता है, और हथियार जो है किस चीज में उपयोग होता है, किसी को मारने काटने के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही माना कि वह व्यक्ति जो है लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट का अपराधी होगा, और सेक्शन 457 एंड 456 के तहत इसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। ओके, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउस ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकिंग को हिंदी में हम लोग गृह भेदन कहते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति जो है क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो वो ऑफकोर्स हाउस ब्रेकिंग करेगा, तो क्या हो जाएगा, हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा।
यहाँ पर सिक्स वे में बताई गई है कि किस तरीके से आप किसी के घर में आप ब्रेकिंग कर सकते हो, किसी के हाउस को ब्रेक कर सकते हो, बट हम लोग आठ वे में हम लोग समझेंगे कि हाउस ब्रेकिंग किस तरीके से हो सकता है। आठ हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट जो पॉइंट आता है, यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी हूँ, आप देख रहे होंगे, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। ओके, पहला पॉइंट आ जाता है, पहला पॉइंट में हाउस ब्रेकिंग करने के लिए ए के हाउस जो है क्या करता है, ए जो है ए के हाउस में होल बना दिया जाता है और होल के द्वारा हाथ लगाकर प्रवेश करने का, इंटर करने का कोशिश किया जाता है बी के द्वारा। बी क्या करता है कि ए के हाउस में होल कर देता है और हाथ डालकर उसके घर के अंदर प्रवेश करने की, इंटर करने की कोशिश करता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी एक हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा, क्योंकि आपने किसी व्यक्ति के घर में दीवार में वॉल में आपने छेद कर दियो, छेद करके और उसके हाथ डाल के देखने की कोशिश कर रही हो कि कौन चीज कहाँ है, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, एंड जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट वे जो माना जाएगा, यहाँ पर बात कही गई है कि आप जो है किसी के घर में रेंग रेंग कर, मीन्स धीरे 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 इस तरीके से आप इंटर करते हो, तो ये भी एक हाउस ब्रेकिंग का एग्जाम्पल होगा। एंड आप क्या करते हैं कि ए की विंडो जो है, ए की विंडो को खोल कर आप जो है उसके घर में इंटर कर जाते हैं, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग का एग्जाम्पल होगा। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बंद डोर, किसी का क्या होता है कि कभी कभी बंद डोर रहते हैं और आप क्या करते हो कि उस बंद डोर को खोलने के लिए कोशिश करते हो, जब नहीं खुलता है तो आप जो है नीचे से क्या करते हैं, तार लगाते हैं और तार लगाकर उसकी जो छिटकनी रहती है, उसकी जो जो नॉकिंग सिस्टम रहता है और उसको लॉकिंग सिस्टम रहता है, उसको तोड़ने की कोशिश करते हो या खोलने की कोशिश करते हो, तो इस तरीके की कोशिश करना भी हाउस ब्रेकिंग का एग्जाम्पल होगा। ओके, एंड अब यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए के हाउस के डोर में छेद करना, ये भी एक तरीके का हाउस ब्रेकिंग का एग्जाम्पल होगा। ए के डोर में क्या करते हैं, आप छेद कर देते हैं और छेद करके और आप अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग के एग्जाम्पल होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ए के हाउस की जो है, कभी कभी जल्दबाजी में क्या होती है कि हम लोग की जो है छूट जाती है या फिर कहीं गिर जाती है। अब एक की जो क्या होती है, एक हाउस की जो है गिर जाने के कारण बी को मिलती है और बी जो है बहुत सोचता है कि अरे वाओ, मुझे तो एक घर की चाबी मिल गई है, चलो अब लोग हम लोग अंदर घुसते हैं और देखा जाएगा कि उसके घर के अंदर क्या क्या चीज भरा हुआ है। और बी क्या करता है कि उसकी की को लेकर और ए के हाउस के डोर में लगाता है और अंदर घुस जाता है और घुस कर पता नहीं क्या क्या चीज करता है, आप समझ सकते हो, चोरी करेगा, डकैती करेगा, चोरी करेगा, डकैती तो चार से पांच व्यक्ति से अधिक लोग डकैती करते हैं, अब एक व्यक्ति हो तो चोरी ही ऑफकोर्स करेगा, तो वो व्यक्ति जो है अंदर चोरी करता है या फिर किस तरीके से क्रिमिनल ट्रेसपास करके हाउस ब्रेकिंग करता है, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग का यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। ए अपने डोर के पास खड़ा रहता है, क्या होता है कि यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए जो है अपने डोर के पास खड़ा है और बी आता है और जोर से धक्का देता है और ए जो है क्या होती है, ए जो है नीचे गिर जाता है और बी जो क्या करता है कि अंदर घुस जाता है, तो ये भी एक हाउस ब्रेकिंग का यहाँ पर एग्जाम्पल होगा। ओके, आपने क्या किया कि किसी व्यक्ति को गिरा कर उसके उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो ये भी एक हाउस ब्रेकिंग का एग्जाम्पल होगा। एंड अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सी क्या है, कि सी जो है एक डोर का कीपर है, डोर कीपर है। कभी कभी क्या होती है कि बहुत बड़ी अपार्टमेंट रहती है और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के अपार्टमेंट है या हम लोग बहुत बड़े व्यक्ति रहते हैं, जैसे कुछ अधिकारी अधिकारी रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने घर के बाहर जो है एक डोर कीपर रखते हैं कि आप हमारे घर की सुरक्षा कीजिएगा। अब क्या होती है कि कोई चोर व्यक्ति आता है और क्या करता है कि उस डोर कीपर को धमका कर कहता है कि जा तू यहाँ से, नहीं तो तेरे को गोली मार दूंगा, या नहीं तो तेरे घर परिवार वाले को मैं उठा कर ले जाऊंगा, तो वो डोर कीपर जो है क्या करता है कि वो भाग जाता है और डोर कीपर को भगा कर एक घर में जो है
प्रवेश कर जाता है कोई भी व्यक्ति, तो ये भी एक हाउस ब्रेकिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। तो हम लोग ने क्या किए कि बहुत सारे एग्जाम्पल जो है समझ लिया, जो ये जितने भी यहाँ पर 8-9 एग्जाम्पल थे उसको समझ लिया, और एक आध अगर छूट जाता है तो आप इसे बेयर एक्ट में देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक और पॉइंट बात करने की है कि यहाँ पर जो 8 जो मैंने पॉइंट बताई, तो 8 पॉइंट में जब तक क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा तब तक क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा तब तक हाउस ब्रेकिंग नहीं होगा, क्रिमिनल ट्रेसपास होगा तभी हाउस ब्रेकिंग होगा। ओके, एंड यहाँ पर जो अगर आप किसी के घर में हाउस ब्रेकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर सेक्शन 454, 455 and 456 के तहत यहाँ पर आप दंडनीय होंगे। क्या होंगे? 454, 455 and 453। क्या है? 453 के तहत आप दंडनीय होंगे। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। यहाँ पर पॉइंट से ही पता चल रहा है कि रात्रो गृह भेदन सूर्योदय के पहले एंड सूर्यास्त के बाद अगर कोई भी व्यक्ति जो है किसी के घर में हाउस ट्रेसपास करता है या हाउस ब्रेकिंग करता है तो उसे माना जाएगा कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट होगा। यहाँ पर आपने समझा कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट की मीन्स यहाँ पर रात्रों पच्छन गृह भेदन की यहाँ पर आपने विदाउट किसी को पता भी नहीं चलने दिया इस तरीके से आप हाउस ब्रेकिंग करते हैं। और यहाँ पर बताया गया है सिर्फ हाउस ब्रेकिंग बताया गया है, यहाँ पर लर्किंग हाउस ब्रेकिंग बताया गया है, यहाँ पर हाउस ब्रेकिंग बताया गया है। तो यहाँ पर लर्किंग हाउस ब्रेकिंग मीन्स होती है कि किसी को आपके इंटेंशन के बारे में पता भी नहीं है, इस इंटेंशन से आप घुस रहे हो, किस इंटेंशन से घुस रहे हो यहाँ पर किसी को पता नहीं रहता है, और यहाँ पर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में यहाँ पर इंटेंशन पता चल जाता है तो यहाँ पर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कहलाएगा। और आपको यहाँ पर आईपीसी के सेक्शन जो है 456 सेक्शन, अगर आप किसी घर में रात में हाउस ब्रेकिंग करते हैं तो 456 to 460 के तहत आप अपराधी माने जाएंगे। और आप बेयर एक्ट खोल के रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 456 से लेके 460 तक बहुत सारे ऐसे दंड दिए गए हैं, पनिशमेंट दिए गए हैं। आप बेयर एक्ट खोल के देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि सारे दंड जो है हाउस ब्रेकिंग से रिलेटेड है। तो जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि क्रिमिनल ट्रेसपास के अंतर्गत जितने भी 441 सेक्शन से लेकर 460 सेक्शन तक हम लोग ये कवर किए। एंड आईपीसी के जो भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।